नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज का दिन 5 अगस्त 2021 बहुत अहम है, हर भारतीय के लिए खुश होने वाला दिन है। 41 साल बाद, 41 इयर्स के बाद भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता। निश्चित तौर पर हर एक खिलाड़ी का इसमें जबरदस्त योगदान है, उसकी मेहनत है, और साथ ही साथ भारत के एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री का भी उसमें योगदान है जो बहुत कम चर्चा में रहते हैं, जो अपना प्रचार प्रसार बहुत कम करते रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्होंने महिला और पुरुष हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया और सारा का सारा खर्चा उसकी कोचिंग से लेकर तमाम चीजें उठाई। एक बात बहुत साफ है कि इस समय खेल को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बनाया जा रहा है, वह भी कई बार चिंता पैदा करता है। पांच अगस्त 2019 भी आज याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज से दो साल पहले 2019 में आज ही के दिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के ऊपर से 370 धारा को हटाया था, और उसके बाद से कश्मीर का जो हाल किया गया, जिस तरह से गुपचुप ढंग से पूरे के पूरे कश्मीर, उसकी स्वायत्तता को निशाने पे लिया गया, निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए आज भी यह बड़ा सवाल है। बात जब हम खेलों की करते हैं, तब अक्सर यह दिखाई देता है कि कुछ खेल नेताओं को बहुत प्रिय होते हैं, कुछ खिलाड़ी बहुत नेताओं को प्रिय होते हैं, और कुछ के बारे में बहुत उपेक्षित रवैया रहता है, और यह बहुत दुख और चिंता का विषय है। अभी हमने बात की कि किस तरह से पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में पुरस्कार जीता, लेकिन जाति किस तरह से हमारे समाज में गहरे तक बैठी हुई है कि वह खेल को भी खेल नहीं रहने देती। इसका जो सबसे दुखद उदाहरण खेल जगत में दिखाई दिया, वह दिखाई दिया जब ओलंपिक में महिला हॉकी टीम शुरुआती समय में हारी। हालांकि अभी वह लड़ाई लड़ रही है, उस समय कुछ दक्षिणपंथी लोग हरिद्वार में एक जो स्टार प्लेयर हैं वंदना कटारिया, उनके घर के पास पहुंचे, बहुत अभद्र भाषा में उन पर हमला किया गया और कहा गया क्योंकि वह दलित हैं, और इस बार महिला और पुरुष हॉकी टीम में दलित खिलाड़ियों को जगह मिली है, इसलिए वे हार गई थी। ये जो पूरी की पूरी मानसिकता है जाति की, यह कितनी गहरी और कितनी घिनौनी है, यह घटना इससे साफ करती है कि आज की तारीख में जब बेटियां जीत रही हैं, उस समय भी जाति के आधार पर उन्हें कैसे निशाने पे लिया जाता है। अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग यह बोलते हैं कि जाति की बात हर जगह नहीं करनी चाहिए और राजनीति की बात हर जगह नहीं करनी चाहिए। आज इस खोज खबर कार्यक्रम में हम बताएंगे कि जो लोग यह कहते हैं, उनके दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा जाति की गंदगी भरी रहती है, और वह कोट अनकोट राजनीति, क्योंकि मेरे हिसाब से राजनीति करना बुरा नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से उनकी जो राजनीति है वह कितनी गंदगी फैलाती है, इसका उदाहरण बहुत जरूरी है चिन्हित करना, सामने लाना और उस पर चर्चा होना। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जाति पर। हम सब जानते हैं कि इस समय देश की राजधानी में संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर पुरानी नांगल गांव में एक दलित बेटी, दलित बच्ची की बहुत नृशंस ढंग से हत्या की गई, उसकी लाश जलाई गई। परिवार और गांव वालों का कहना है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बहुत दबाव के बाद जो दोषी हैं चार लोग, उनकी गिरफ्तारी हुई। हम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट करते रहे हैं आपके साथ। वहां पर जाकर पता चलता है कि जाति क्या चीज है, और जाति के बारे में बात करने वाले लोग कितने असंवेदनशील हो जाते हैं, कितने इनसेंसिटिव हो जाते हैं जब मामला किसी दलित बच्ची या दलित लड़की के साथ बलात्कार का, यौन हिंसा का, उत्पीड़न का होता है। जुम्बिश नहीं देखती उनको उस लड़की के बारे में या उसके समर्थन में आए लोगों के बारे में अशब्द कहने की, अपशब्द कहने की, और दूसरे ढंग से
राजनीति करने की। ये बताइए कि वाल्मीकि बच्ची के साथ हुआ ये, और जिस तरह से पुलिस ने परिवार को, माता पिता को इतने घंटे थाने में बैठा के रखा, क्यों? मैम ये तो वो लोग बता नहीं रहे, बार बार कह रहे हैं कि उनका सेफ्टी इशू था, सेफ्टी इशू था। हमने बहुत कोशिश किया, मैंने कहा जब बच्ची के साथ जो हो गया सो हो गया है, उसको आप अपना सैंपल्स उठाइए और आगे की तैयारी कीजिए। माँ बाप को तो कम से कम हमारे बीच में छोड़िए ना। उन्होंने अब इतना कहने के बाद भी रात को 11 बजे 11:30 बजे के आसपास वो लेकर के गए थे, पूरी रात, अगला पूरा दिन, नेक्स्ट डे शाम को छोड़ा है। उसके बाद भी उनके ऊपर प्रेशर किया गया, जो उसकी माँ कह रही है। प्रेशर क्या है? क्या पंडित इसी गांव के हैं? नहीं, वो इस गांव के नहीं है, पास वाले गांव के हैं। तो उनको क्यों बचाने की कोशिश थी फिर? मैम ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है जातिगत भेदभाव उनके दिमाग में चल रहा हो अभी तक। अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान, कोई ट्वीट, जो बात बात पे ट्वीट मोदी जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, कुछ हुआ है क्या इस घटना? मैम इस तरीके का कुछ हमें नहीं पता, और 3 से 4 आज चौथा दिन है। आज जाकर के दिल्ली के शायद प्रदेश अध्यक्ष कोई आए थे, लोगों ने उनका बहिष्कार करके यहाँ से भगा दिया, क्योंकि जब चीन से अगर यहाँ पे जो यहाँ के सांसद है मीनाक्षी लेखी, 4 दिन के बाद भी अगर वो यहाँ पे कोई किसी तरीके की जो है पता करने के लिए नहीं आ रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, कोई उनकी तरफ से कोई आया नहीं। 3-4 दिन के बाद जब लोग जुड़े हैं तो वो आज आए हैं। आगे क्या लगता है आपको, क्या होगा, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, एक तो उन लोगों को तुरंत फास्ट ट्रैक में ये मामला चले, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और आने वाले समय के लिए किसी और के साथ ऐसा ना हो तो पुलिस प्रशासन को टाइट किया जाए, और इस तरीके का कुछ ना कुछ लो ऐसा बना जाए। हर बार 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 इस तरीके की घटनाएं अभी हाथरस में घटी, अभी दिल्ली में और कितनी घटनाएं ऐसी घट रही है, तो ये कैसे चलेगा अगर सरकार का ये रवैया, या तो सरकार चाहती है ऐसा, या उन लोगों को क्यों बचा दिया जाता है, या उनको क्यों ढिलाई बरती जाती है। इस तरीके के मामले में तुरंत के तुरंत एक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, अभी तक देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम कैंट इलाके में शमशान घाट में दलित बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार होता है, हत्या होती है, उसकी लाश को जलाया जाता है, आज तक वहां से जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उनका एक बयान नहीं आता। दिल्ली पुलिस देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में काम करती है, गृह मंत्री का संसद में एक शब्द बयान नहीं आता। बात बात पर ट्वीट करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, उसकी दुहाई देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक शब्द इस पूरी घटना पे, जो बर्बर घटना है जिससे इंसानियत तार तार हुई है, एक शब्द नहीं कहते। वजह वजह यह कि वह लड़की दलित समुदाय की थी, वजह यह कि वह लड़की वाल्मीकि समाज की थी, बहुत ही गरीब उसके माता पिता थे। वरना आप ही सोचिए, क्या यह संभव है कि देश की राजधानी में सरेआम यह घटना हो? इसके विरोध में 1 अगस्त से लेकर अभी तक गांव वाले सड़क पर जमे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और एक शब्द ना निकले दोषी के खिलाफ, क्योंकि यहां पर दोषी सिर्फ वे 4 लोग नहीं हैं, वे पूरा सिस्टम है, वह पूरी दिल्ली पुलिस है, जो इन लोगों को बचाने और पीड़ित परिवार को मारने पीटने से लेकर डराने से लेकर सारे काम करती रही। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? यह इंप्यूनिटी क्यों है? क्या इसकी वजह जाति नहीं है? जाति कितनी अहम है, कितनी घिनौनी है, इसे जानने के लिए सुनिए इस मां बाप की कहानी जो उन्होंने हमें बताई। उन्होंने बताया कि जब वह रोते बिलखते थाने पहुंचे, उसके बाद उन्हें थाने में ही बंद कर दिया गया। 24 घंटे से अधिक वे थाने में रहे। आप थाने गई थी? थाने में आपको मेरा पति मारा था, दे लात नरेश करोसिया ने पुलिस वारे, दो लेडीज पुलिस वारी इनके सामने मारे थे, मेरे को डांट दिखा रहा, आंख लिखा रहा, मेरे पे डांट रहा था। क्या कह रहे थे वो? इसको गाली दे रहा था गंदी गंदी, इसका दे लात मारा था, और मेरे को
बोलेगा तू ज्यादा मत बोला, नहीं तू अब लेडीज पुलिस बुलवा कर तेरे को भी नहीं अच्छी खातर दबाऊंगा। अच्छा, आपको खुद पुलिस वाले ने बोला ऐसा? नरेश करौतिया सागरपुर नाले पार बस्ती। नरेश करौतिया नाले पार बस्ती। और कितनी देर आपको थाने में रखा? 9 बजे रात को, 9 बजे रात के 9 बजे और 5:30 बजे पीछे हम छोड़े थे। सुबह 5:30 बजे शाम को 5:30 बजे पीछे छोड़े थे। शाम को 5:30 बजे छोड़ा था, 9 बजे ले गए, रात को 5:30 बजे पीछे वहाँ छोड़े थे हम लाके। तो पूरी रात आपको थाने में रखा? पूरे रात पूरे दिन। और जब मैं आपसे बात कह रही हूँ ये कि ये जो पूरी उपेक्षा हुई देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को बड़ी भीषण ताकत दे दी गई है, वो सब तरह की मीटिंगें कर रहे हैं राज्य सरकार को धता बताते हुए, लेकिन वहां से कोई नुमाइंदा केंद्र सरकार का नहीं पहुंचता। और जब जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता, चाहे राहुल गांधी हो या बाकी लोग, जब वे पहुंचते हैं तो बहुत तीखी चुभन होती है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी उसके जो प्रवक्ता है संबित पात्रा, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं इस मामले में बहुत दर्द हो रहा है, इस मामले में क्यों दर्द नहीं हुआ, उस मामले में दर्द क्यों नहीं हुआ। मैं यहां संबित पात्रा जी आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपको चुन चुन के दर्द होता है? नांगल की बेटी पर आपको दर्द नहीं हुआ? 9 साल की बच्ची की लाश को भी जला दिया गया, आप किस मानवता हिली नहीं? वजह क्या है? आप पहले स्पष्ट करिए कि अभी जो सामने आपकी घटना आई है, आप तमाम पूरी की पूरी जो ब्रिगेड है, पूरी की पूरी जो भाजपा की टीम है, वह बता रही कि राजस्थान में कितना हुआ, केरल में कितना हुआ, छत्तीसगढ़ में कितना हुआ, कहीं भी किसी भी लड़की के साथ कोई यौन शोषण होता है, आपकी बतौर पार्टी, बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता, बतौर भारतीय नागरिक, आपकी जिम्मेदारी है कि हर घटना की आलोचना आप करें। हर लड़की को, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन यहां जब आपके घरों से कुछ किलोमीटर दूर यह घटना होती है, तो मिस्टर पीएम, मिस्टर होम मिनिस्टर, मैडम सांसद, आपकी पूरी पार्टी क्यों नहीं हिलती है, क्यों नहीं उसे दुख होता है? जब निर्भया कांड हुआ था तब उस समय नरेंद्र मोदी ने खुलकर यह कहा था कि जब आप वोट डालने जाएं तो याद रखिएगा निर्भया कांड को और तब वोट दीजिएगा। उस समय आपने खुलकर वोट मांगा था मोदी जी निर्भया कांड पर, बलात्कार कांड पर। आज क्या हुआ? पुरानी नांगल गांव की इस बच्ची की बात सुनिए, बहुत थोड़ी सी बात कही लेकिन बहुत अहम है। उसने कहा कि हमारी जाति या गरीब बच्चियों को ये लोग निशाना बनाते हैं। ये लोग निशाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनको पता है कि हमारे साथ कुछ होगा तो कोई हंगामा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चों को खतरा है, उनके लिए कोई नहीं देखता। वो छोटे छोटे रेड लाइट पे जो बेचारे बच्चे घूमते रहते हैं भूखे प्यासे, उन लड़कियों के साथ मार के भी फेंक देता है, किसी को पता भी नहीं चलता उनका, और पुलिस वाले बाल ढक देता है, किसी के सामने नहीं आने देते। देश का मीडिया, मीडिया में जब हम बात कर रहे हैं तो कॉरपोरेट मीडिया, बड़े मीडिया घराने, टीवी चैनल और बाकी तमाम लोग, जब इस घटना पर ज्यादा दबाव बनना शुरू हुआ, एक तो कवरेज बहुत बाद में शुरू हुई, उसके बाद जब शुरू हुई और लगा कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तब आप देखिए किस तरह की कवरेज इन्होंने करनी शुरू की। टूलकिट वाली खबरें चलाई शुरू हो गई, लेकिन यहां बात सिर्फ टूलकिट की नहीं है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक ट्वीट, यह ट्वीट न जाने कितने बड़े बड़े भारतीय पत्रकारों ने किया। जब यह हालत मीडिया की है तब आपसे हम यही गुजारिश कर सकते हैं कि देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए खोश खबर, ताकि सच को जिंदा रखने का हमारा हौसला बना रहे। शुक्रिया।